नमस्कार, जनता का राज न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के औड़ेरा गांव में हैं। यहाँ हमें पता चला, मुखिया जी हैं गांव के, जिन्होंने हमें बताया, यहाँ वहाँ से सूचना मिली हमें कि यहाँ पर औड़ेरा गांव में हल्दी की खेती होती है और कई सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनकी खेती होती है। तो हमने कहा चलिए हम मुखिया जी से मिलते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, और हल्दी का उत्पादन, औषधियों का उत्पादन, क्या क्या उत्पाद जो है यहाँ से ले रहे हैं अपने खेतों से। तो चलिए मुखिया जी से वार्ता करते हैं, हम पूछते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, कितने ये जो है जो हल्दी है, कितने एरिया में है ये? ये एक एकड़ के लगभग है। एक एकड़ के लगभग, कुछ बताइए विस्तार से कैसे। जैसे आपने अभी चर्चा हो रही थी, आपने पहले अमरूद लगाए, कितने साल पहले अमरूद की खेती की, बगीचा लगाया? करीब आठ और नौ में। हाँ, तो हमने ये अमरूद का बाग लगाया था। अच्छा, उसी के साथ कुछ दिन बाद हमने हल्दी की ट्राई की। अच्छा, तो बाजार ना मिलने की वजह से, अच्छी जानकारी ना होने की वजह से बीच में हमने बंद कर दी। अच्छा, अब पिछली वर्ष से, इस वर्ष से हमने फिर हल्दी की खेती शुरू कर दी है। बढ़िया मुखिया जी, मतलब कहने का मतलब है ना, एक प्लॉट होता है। अब अमरूद की उपज तो ले ही रहे हैं मुखिया जी, लेकिन ये जमीन जो आपको दिख रही है ये खाली पड़ी रहती थी। मुखिया जी ने सोचा इसमें हल्दी लगाते हैं, हम हल्दी से अलग से मुनाफा कमाते हैं। तो मुखिया जी पूरा बताइएगा, मान लीजिए जो किसान अगर इस वीडियो को देखें तो अमरूद कितने एरिया में है, अमरूद का कितना जो है आप उत्पादन लेते हैं, और कितना या कितने में ठेका देते हैं अमरूदों को, अगर ठेकेदारों को बेचते हैं किसी व्यक्ति को, और फिर हल्दी इस ज़मीन में जो खाली पड़ी रहती है इसमें कितने की हल्दी, कितने क्विंटल हल्दी, फिर कितना कॉस्ट मिलता है उसका, वो भी सब बताइएगा। सर, जितने भी उद्यान लगाए हैं, बाग लगाए हैं, तो मैं उन किसानों भाइयों से ये कहूँगा, अगर आप फलदार पेड़ों के नीचे कंद वाली खेती करें, जैसे हल्दी है, अदरक है, अरवी है, तो जो परंपरागत खेती है उससे अधिक हमें लाभ हो सकता है। इसी परपज से मैंने हल्दी लगाई है, और मेरा अनुमान है जो हल्दी का, कि एक एकड़ में 60 या 100 क्विंटल से नीचे नहीं निकलेगी। अगर उचित रेट मिल जाते हैं, प्रोसेसिंग करके होते, तो हमें परंपरागत खेती से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति एक दुगनी आय, तो मैं कहता हूँ 3 गुनी 4 गुनी आय भी परंपरागत खेती से बढ़ सकती है। ये मैं प्राकृतिक रूप से कर रहा हूँ। इसमें आज तक मैंने 2010 से इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाला। ये बहुत बड़ी बात है मुखिया जी, इतनी अच्छी फसल, पूरा दिखाइएगा चारों तरफ से आप, इतनी बड़ी फसल है। मुखिया जी का कहना है कि कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया हमने, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुखिया जी, जो लागत की बात हमने बताई है, या इसमें कितनी लागत लगाने में आएगी और कितनी उपज फिर आप ले पाएंगे इससे? इसमें एक एकड़ में कम से कम ये हल्दी 10-15 क्विंटल का बीज का खर्चा है। अच्छा, इसके बाद उसकी पानी वगैरह सारे खर्चे, निदाई गुड़ाई का खर्चा आता है, तो वो सारे खर्चे काटने के बाद भी हमें परंपरागत खेती से दोनों तिगुना लाभ है। बिल्कुल, दोगुना तिगुना लाभ है। बढ़िया। अब मुखिया जी, अगर आंकड़े बताना चाहे रुपए में आप, कि जैसे आपने बोला कि ये ठेका दे देते हम, हल्दी में भी इतना मुनाफा हो जाता है, इतने रुपये की जाती है, इतना क्विंटल निकाल लेते हैं हम। भाई, जो बाग से हमें जो मिलता था, अमरूद से या अन्य चीज़ें उसमें लगी हैं, तो वो तो हमें मिल ही रही, ये हमें अतिरिक्त लाभ है। बिल्कुल। तो मुखिया जी का कहना है कि जो किसान अगर बाग बगीचा लगाते हैं, वो जो ज़मीन खाली पड़ी है उसमें हल्दी है, और कौन 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 से फसल लगा सकते हैं मुखिया जी? अदरक है, अरवी है, या आपका रतालू है, कई कंद की कई ऐसी वो आती हैं, वे क्षेत्रवाइज है, ज़मीन के ऊपर है, जहाँ जिस की फसल जो सूट करे उसको लगा। दिख रही होगी आपको, यहाँ ऊपर ही दिख रही होगी कुछ, तो कब से लगी है मुखिया जी ये? प्रतिवर्ष आ जाती है। अच्छा, उखाड़ लेते हैं जितनी जरूरत पड़ी उतनी उखाड़ ली, मतलब खत्म नहीं होती। ये हल्दी का सिस्टम है अपने हिंदू धर्म में। बिल्कुल। हल्दी आप लगा, ये देखिए, दिखाइएगा थोड़ा थोड़ा ऊपर, उठाइए कैमरा पे, दिखाइए उठा के ये देखिए, ऐसे 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 ये देखिए, ये हल्दी देख पा रहे होंगे आप, हल्दी, ये हल्दी है जो मुखिया जी लगाए हुए हैं। कितनी सारी गांठें दिख रही होंगी आपको, काफी वजन है, कितना हो गया लगभग? ये मिट्टी भी है वैसे तो, लेकिन एक किलो हल्दी। ये देखिए, एक पौधे में 1 किलो हल्दी, ये देख पा रहे होंगे आप, ये हल्दी है, प्योर हल्दी है, क्या बात है। ये देखिए, अच्छा ये पुरानी है। अच्छा, हम और क्यों मुखिया जी, जो हम यूज करते हैं हल्दी, वो थोड़ा सूखी सी, उसका प्रोसेस क्या होता है? घरों में जनरली जब पीसने के लिए लाते हैं बाजार से, इसको उबालना पड़ेगा।
अच्छा इसको उबालेंगे, उबाल के फिर सुखाएं। अच्छा सुखाने के बाद कूट के फिर आप किसी भी उससे मिक्सी से या किसी भी चीज से पीस लें। अच्छा तो वो पाउडर बन गया। बिल्कुल क्या बात है, कच्चा भी उपयोग। अभी मेरा कच्चा बीज ले जाते, एक दिन 5 किलो ले गए, एक दिन 1 किलो ले गए, लोग आ जाते हैं।